अति मान्यवर बिशप स्वामी बिशप थियोडोर मस्करेनस फादर संजय विकार जनरल फादर सुमन निरंजन मिंस सेमिनरियंस डायरेक्टर सेक्रेटरी फादर अमरदीप क्रिकेटा प्रधानाध्यापक धर्मपाने हमारे दो ब्रदरगण और अन्य ब्रदरगण और हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। हम सभी हॉस्टल परिवार हम लोग बहुत ही खुश हैं आज के इस विशेष दिन में। जैसे हम सबों ने अवश्य जान रहे हैं कि बहुत सालों के बाद ये छात्रावास में बच्चे बच्चियों को रहने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अधिक बच्चे होने के नाते ये घर बहुत ही छोटा था, रहने में उठने में बैठने में या अन्य कार्यक्रम करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा से आज हम सबों के बीच में बिशप स्वामी हैं, उन्हीं के अथक प्रयास से इस प्रांगण में इस छात्रावास को नए सिरे से सजाने संवारने में बिशप का एक अहम भूमिका है और वे हमारे इस छात्रावास के लिए बहुत ही एक सकारात्मक सोच रखते हैं इस विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए, इस छात्रावास को नए सिरे से सजाने के लिए, ताकि इससे छात्रावास में रहकर बहुत ही दूर दराज से बच्चे आकर इस छात्रावास में रहकर इस विद्यालय में शिक्षा अर्जन करें, विद्या अर्जन करें और अपने जीवन को भावी एवं उज्जवल बनाएं। सचमुच में हम सभी कोई बहुत खुश है और इसी उपलक्ष में हम सभी छात्रावास के बच्चे बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं, तो हम लोग एक छोटा सा स्वागत गाना के माध्यम से हम लोग बिशप स्वामी एवं अन्य मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत गाना के लिए आप सभी तैयार हैं। Yeah.
Honorable Bishop Theodore, Father Ashok, Father Suman, Father Amardeep, Brother Piyush, Brother Irenaeus, सभी धर्म बहने, शिक्षकगण और ताज कंस्ट्रक्शन के सभी सदस्यगण, लेकर के हमारे प्रोजेक्टर्स और यहाँ पर उपस्थित अभिभावक, आज मुझे इस समय में यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज जो हम देख रहे हैं एक इस सत्य ज्योति निकेतन बालिका छात्रावास का एक्सटेंशन, जो पुराने हॉस्टल थे उसी पर और बढ़ाने के लिए और एक हॉल और उसमें और कुछ सुविधाएं बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, और जिसकी आज हम आशीष के लिए यहाँ एकत्र हैं। मैं सर्वप्रथम आज मैं बिशप को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत उनके परिश्रम से आज यह संभव हो सका है। क्योंकि बिशप आप सबों को जो यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ इस छात्रावास में रहते हैं, सबों से प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम का फल यह हुआ कि आपकी स्थिति को देखते हुए उनकी एक सोच आई और उसी सोच के अनुसार इस छात्रावास को और अधिक विकास करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने मानुष यूनिदास एक फंडिंग एजेंसी है जो इस तरह के आर्थिक की मदद देते हैं, उन्हें उस प्रोजेक्ट को भेज करके उनसे आग्रह किए कि हमें आर्थिक रूप से मदद करें, और इस आग्रह को मानुष यूनिदास ने सहज स्वीकार किया और आर्थिक रूप से इस हॉस्टल के विकास के लिए उन्होंने मदद दे रहे हैं, और उन्हीं की मदद से, आर्थिक मदद से, आर्थिक सहयोग से आज हम इस भवन का निर्माण के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम उन सभी उदार हृदय वालों को जो मानुष यूनिदास में काम करते हैं, कार्यरत हैं, जितने लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा सहयोग में देते हैं, उन सबको आज याद करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, उनको हम अपना कृतज्ञ प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप विशेष रूप से मानुष यूनिदास के जो हमें मदद कर रहे हैं वहाँ के सभी सदस्यों के लिए आप प्रार्थना करेंगे और अपनी प्रार्थना के जरिए अपनी आभार प्रकट करेंगे, जिससे कि ऐसे ही और आने वाले दिनों में वे जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है मदद करते रहेंगे, सहयोग कर सकेंगे। तो इसी के द्वारा मैं आज के इस आशीष की प्रार्थना के लिए मैं बिशप को आमंत्रित करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, ईश्वर हमारे पिता की ओर से, जो सब उत्तम वस्तुओं का स्रोत है, आपको अनुग्रह और शांति मिले। और आप मेरे प्यारे फादर संजय, फादर सुमन, फादर अशोक, फादर अमरदीप, हमारे ब्रदर पीयूष, ब्रदर इरेनियस, सिस्टर कुमुदिनी, सिस्टर सुचिता, टीचर गर्ल, और हमारे ब्रदर्स है यहाँ, डीकन भी है, मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, मैं बहुत बार यहाँ आता था, यहाँ का प्रशासक बना उस दिन से, और सदा सोचता था, लड़कियों का भी और लड़कों का भी सोच रहा हूँ, ये बच्चों को सोने के लिए, जीने के लिए कच्चा जगह मिलना चाहिए, और जब भी होता था किसी किसी से बात करता था, और ये मानुष यूनिदास एक ऐसी एजेंसी है
कि यहाँ आने के लिए तैयारी नहीं थी, देखने को भी लिया आने की तैयार नहीं थी, लेकिन हम जब उनसे निवेदन कर दिया बार बार, तो एक मरिया नाम की एक महिला आई और उसके बाद मिगेल आया। ये दोनों ने ये हमारा प्रोजेक्ट देखने का 1.5 साल तक लगा, बार बार पूछताछ करके उन्होंने एक नया हॉल और टॉयलेट, 6 टॉयलेट है ना रे, 6 टॉयलेट का प्रबंध कर दिया। पूरा पैसा नहीं देंगे, कुछ हमने भी लगाना होगा, क्योंकि वो सब एजेंसी का रूल ये होता है, कभी ऐसा नहीं सोचना कि सब पैसा आता है उसी से होता है, थोड़ा पैसा हमें भी लगाना पड़ता है, इसलिए जहाँ भी मदद मिलते हैं हम अभी देते रहते हैं, लेकिन वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग दे देंगे। और ये मुझे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉमिस किया है अप्रैल तक तैयार हो जाएगा, अप्रैल मई तक ना, कि अगले सेशन में और लड़कियां यहाँ आ सके और आप लोग भी अच्छी तरह से अपना अपना बिचारा लगा के सोच सके। तो यही हमारी इच्छा थी, लड़कों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों की भी एक मदद मिलेगी, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा हॉस्टल बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे, उसको जो हॉस्टल होने वाला था उसको हम दोबारा हॉस्टल बनाएंगे। जैसे फादर संजय बोल चुका है, मैं सभी लोगों को इस आशीष के साथ प्रभु की आशीष की प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके मानस उलिदास, स्पेन की एक मदद देने वाली एजेंसी है, उनके लिए मरिया मिगेल सभी जिन्होंने हगार सभी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमें मदद कर दिया, साथ साथ हमारी ताज कंस्ट्रक्शन ने बार बार उनको भी बहुत सवाल आए, ये जो हमें पैसा दिया है बहुत स्ट्रिक्ट है, आके बार बार चेकिंग भी करेंगे कैसा चलता है ना, तो अच्छा कंस्ट्रक्शन बनाने को हमारी प्रार्थना है। साथ साथ हम इसी में ये भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो भी यहाँ काम करते हैं, ऊपर काम करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी परिजन होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे लिए काम करते हैं, ये बिल्डिंग बनाने में मदद करते हैं। कुरिंथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 11 तक। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना चाहिए कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव है यीशु ख्रीस्त। प्रभु की वाणी है। प्रिय भाई और बहनों, हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो कार्य हम आज आरंभ कर रहे हैं वह ईश्वर के राज्य के निर्माण में सहायता पहुंचाए और हमें कोने के पत्थर क्रीस्ट से विश्वास तथा प्रेम में संयुक्त कर दे। आपका जवाब होगा, धन्य है पिता अनंत काल तक, धन्य है पिता अनंत काल तक, तूने हमें बुद्धि और शक्ति दी है जिससे हम तेरे कार्य में सहयोगी बन जाएं, धन्य है पिता अनंत काल तक। तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपनी कलीसिया का निर्माण दृढ़ चट्टान पर किया है, धन्य है पिता अनंत काल तक, धन्य है पिता अनंत काल तक।
तूने अपने पुत्र के आत्मा द्वारा हमें आध्यात्मिक मंदिर बनाता और उसमें निवास करने की कृपा करता रहता है। धन्य है पिता अनंतकाल तक। तो हमें यह दृढ़ आशा प्रदान करता है कि यह कार्य जिसे हम आज तेरे आशीर्वाद से आरंभ कर रहे हैं सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। धन्य है पिता। तू अनेक प्रहारों से हम जीवित पत्थरों को काटता छांटता और चिकना बनाता है जिससे हम पवित्र नगर यरूशलेम के निर्माण में प्रयुक्त होने के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, तूने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया है और उसी को अपने राज्य की नींव बना दिया है। वह वर दे, यह वर दे कि जो कार्य हम तेरे नाम की महिमा और अपने लाभ के लिए आरंभ कर रहे हैं वह तेरी प्रज्ञा के अनंत वरदान से प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए और उचित समय पर सफलतापूर्वक समाप्त हो। हमारा निवेदन सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पिता हमारे, आशीष के लिए सिर झुकाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और दयापूर्वक अपने हृदय को की अभिलाषाएं ग्रहण करें। प्रभु आपको यह वर दे कि आप जो कुछ भी करते हो सब उसके नाम में करें। ईश्वर आपके श्रम पर अनुग्रह दृष्टि डाले और आपका जीवन हर बुराई से सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। मेरी इच्छा है कि इसका शुरुआत एक छोटे हॉस्टल के ही बच्चे करें। हमने आशीष दे दिया फादर लोगों ने, उद्घाटन इसका काम का उद्घाटन ये बच्चियां करेंगे। चलो कम सिस्टर ये पुत्र समय ओ नो नो नो
ब्रदर सिस्टर पुट वन वन मेडल अशोक पुट वन मेडल हो गया सुचिता अशोक वहरा ठीक है एक एक बार हाँ बस बस दस निकल जाओ वहाँ से नहीं वहाँ से निकल जाओ डालो डालो बाय चलो ठीक है बच्चे हो गया भाई तो तुम लोग पहले मिस्त्री थे आदरणीय अति मान्यवर बिशप थियोडोर फादर संजय हमारे पारिश के पल्ली पुरोहित फादर अशोक फादर सुमन और जितने भी ब्रदर्स आए हुए हैं और सिस्टर्सगण और हमारे स्टाफगण और विद्यार्थियों और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर मैं सर्वप्रथम बिशप स्वामी को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे छात्रवास एवं स्कूल के लिए अपनी सोच विचार ऊँचा रखते हैं और हमारी कमियों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं और आज हमारे बिशप स्वामी हमारे बीच में उपस्थित है और एक ऊंचा सोच लेकर आए और छात्रवास में हमारी जो कमी थी उसको पूरा करने में अपना हाथ बढ़ाया है। तो मैं छात्रवास की ओर से तथा स्कूल की ओर से मैं बिशप स्वामी को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए और इस छोटी सी कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे ब्रदर्सगण सिस्टर्स और यहाँ काम करने वाले विद्यार्थी स्टाफगण सबों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए और पिता परमेश्वर को भी सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये योजना बनाई और आज ये शुरू हुआ है तो मैं इतना ही बोलकर सबों को और एक बार धन्यवाद देता हूँ।